हेलो फ्रेंड्स, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 बाउल बेसन लिया है। ये मैंने इस बाउल से नाप के लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। और 2 चम्मच दूध डालेंगे। ये मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, फ्रिज वाला नहीं लिया। अब हम इसे ऐसे मस लेंगे। 2 से 3 मिनट हमें ऐसे मसलना है इसे। ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी में मुट्ठी बन रही है। ऐसा हमें आटा बनाना है। अब हम इसे इस तरह से दबा के इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे ढक के। फिर मैं आपको और दिखाऊंगी इसमें और क्या क्या चाहिए। वो आधा घंटा हो गया है। अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। ये अब हम लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, हमने जो आटा रेडी किया था वो थोड़ा ये दरदरा हो जाता है इससे। और हमने इसी बाउल से आटा 1.5 बाउल लिया था, तो 1 बाउल हम चीनी लेंगे, 1/2 बाउल घी, इलायची और जायफल पाउडर, और हमने यहाँ गार्निशिंग के लिए पिस्ता लिए हैं और काजू, बादाम और किशमिश। अब हम एक पैन में 4 चम्मच घी डालेंगे। और ये हमने आटा लिया है वो डालेंगे। और इसे भुनेंगे। और घी कम लगेगा तो हम थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, 1 या 2 चम्मच डालेंगे। एक चम्मच हम घी डालेंगे। और इसे 10 से 15 मिनट भुनेंगे धीमी आंच पे। अभी हमें 5 मिनट हुई है, ये देखिए। अभी हमें इसे 10 मिनट से 15 मिनट लगेगी। हमें ऐसे ही भूनते रहना है इसे। ये देखिए, हमें 15 मिनट हुई है। अभी हम इसे 5 से 10 मिनट भुनेंगे। जब तक इसका कलर बादामी नहीं हो जाता तब तक हम इसे भुनेंगे। ये देखिए, हमें 20 मिनट हुए है, घी भी निकल रहा है और थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज हो रहा है। अब हम इसमें काजू, बादाम और किशमिश डाल देंगे और इसे 5 मिनट भुनेंगे ताकि हमारे
काजू बादाम भी भुन जाए। ये देखिए हमारे लड्डू का कलर बादामी हो गया है। देखिए अब हम गैस को ऑफ करेंगे और 2 मिनट इसे चलाएंगे ताकि ये जो अभी गर्म है पैन तो नीचे ज़्यादा ना हो जाए इसलिए, और फिर इसे हम 10 मिनट ठंडा होने देंगे। 10 मिनट हो गई है, देखिए हमें थोड़ा थोड़ा ठंडा करना है, बहुत ठंडा नहीं करना। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, थोड़ी हम कम चीनी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये हमने इलायची पाउडर लिया है वो डालेंगे। इसे हम हाथ से मसल के इसे ऐसे पूरा मसल लेना है ताकि चीनी मिक्स हो जाए। आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर चीनी कम लगती है तो हम और ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें चीनी कम नहीं है। हमने एक बाउल में से थोड़ी सी चीनी रख दी है। अब हम इसे ऐसे हाथ से भी लड्डू बना सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और हमने ये अड़दिया बनाने का मेकर लिया है, उससे भी हम बेसन के लड्डू बना सकते हैं। इसे शेप ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। रेडी है बेसन के लड्डू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।